सिप्स के 316 कर्मचारियों की परिवेक्षा अवधि समाप्त करने और उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने के मामले में फिर से पेच फंसता नजर आ रहा है। मामले में सिप्स की परीक्षण कमेटी ने अब तक अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी तक नहीं। यही नहीं, जिन कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितता की बात कही जा रही थी, एसआईटी से उनकी सूची भी सिम्स प्रबंधन को नहीं मिल रही है। इधर कर्मचारियों को प्रबंधन से मिले आश्वासन का समय भी खत्म हो रहा है। ऐसे में कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन कर जाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि डीन से मिले आश्वासन की समय अवधि अब खत्म हो गई है। कर्मचारियों के मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि मामले में नया पेज फंस गया है। पूर्व डीन के गठित जांच कमेटी ने अब तक पूरी रिपोर्ट सौंपी तक नहीं है। यही नहीं, एसआईटी जांच में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितता की बात कही जा रही थी, उनकी सूची भी सिम्स प्रबंधन को नहीं मिली है। इधर आश्वासन की अवधि खत्म होने के बाद भी मांगे पूरे होने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसे में कर्मचारी करे तो करे क्या? इसे लेकर कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने डीन से मुलाकात भी की है, और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई और आश्वासन जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका कहना उचित है कि उनकी मांगे भी बहुत उचित लगती है मुझे, और शासन ने भी निर्देश दिए हैं। एक्चुअल में प्रक्रिया शासन की तरफ से तो चल रही थी, परंतु ये बहुत ही देरी हो चुकी है। उसके लिए मैं शासन की तरफ से क्षमा मांगता हूँ। और शासन के निर्देश ही है कि जो प्रक्रिया पहले अपनाई गई थी उसके कारण कुछ अनियमितताएँ दर्शाई गई थी पूर्व में, तो उसके निर्देशानुसार हमारे मंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि जो एसआईटी में जांच है उसको छोड़कर जो बाकी कर्मचारी है उनका परीक्षा अवधि समाप्त की जाए। उसके साथ में हमारे जो प्रमुख सचिव महोदय ने भी निर्देश दिया था कि उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उनकी छानबीन करके पूरे निकाल के उनको परीक्षा अवधि समाप्त की जाए। इस प्रक्रिया को करने के लिए हमने पूर्व में जो अधिष्ठाता महोदया थी उन्होंने एक इंटरनल जांच परीक्षण कमेटी बिठाई है जो प्रक्रियाधीन है, और आप तो जानते हैं कि लगातार छुट्टी होने के कारण ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी गति होगी। परंतु मेरा सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि उनकी मांग की जल्द से जल्द सुनवाई होगी। एक दो हफ्ते के अंदर मुझे रिपोर्ट मिल जाएगा तो मैं इस महीने के अंत तक उनको अच्छी खुशियां दे सकता हूँ। TCP24 के लिए बिलासपुर से दुर्गेश चंद्राकर की रिपोर्ट।